लेट्स कंटिन्यू और आप आमंत्रित करते हैं आज के हमारे पहले डबल डायमंड को, जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे पहले डबल डायमंड। वो एक्चुअली में डबल डायमंड का प्रमोशन तो सिर्फ इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, ही इज ऑलरेडी अ वीनस एंड नॉट ओनली अ वीनस, ही इज एक्चुअली अ डायमंड मेकर, ही इज अ डबल डायमंड मेकर, ही इज अ मर्करी मेकर, ही इज अ क्राउन मेकर एंड ही इज अ सीनियर ऑफ a crown also, and the most sincere, the most committed person of Safe Shop, the strongest pillar of Evolve India, Mr. Sunil Mann. Aaj promotion unka nahi hai, wo to peeche peeche aayenge. Promotion kiska hai? Kehte hai, there's a lady behind every successful man. Aur अगर मैं पर्टिकुलरली मिस सुनीता मान की बात करूं, द लेडी हु ऑलवेज स्टैंड्स विद मिस्टर सुनील मान एज अ बैकबोन। मान साहब के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिसेस सुनीता मान के बारे में आपको बताऊंगा। मान साहब एयरफोर्स में थे, मान साहब स्पोर्ट्समैन थे, मान साहब मैराथन रनर थे और अपनी सर्विस के साथ साथ मैराथन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ले रहे थे। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा इंसिडेंट हुआ जब मान साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनकी एक टांग चली गई उस एक्सीडेंट के दौरान काफी सर्जरीज के बाद। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस एक्सीडेंट से चंद एक सप्ताह पहले ही मान साहब की शादी हुई थी, जस्ट 7 days back। और मान साहब कानपुर थे, वहां से अपनी वाइफ को लेने के लिए आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद 13 महीने लगातार ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ही वॉज इन ICU फॉर अ लॉन्ग टाइम और बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज उन्होंने फेस करी। लेकिन उन सर्जरीज के टाइम पे, उस पूरी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, उस पूरे लाइफ के सबसे टफ फेज के अंदर सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांगली किसी ने उनको सपोर्ट किया तो वो उनकी वाइफ मिसेस सुनीता मान। एक नई नई लड़की जब शादी करके आती है तो क्या होता है, आज तो बहुत दुनिया देख ली दोस्तों, सब कुछ दिखता है, सब समझ आता है। शी वॉज देयर 24 आवर्स, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने अच्छे से, वर्ड तो मैं बोलूंगा कहीं स्टैंड ही नहीं करता, मतलब शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर एवरी लेडी इन दिस वर्ल्ड एट दैट टाइम। उसके बाद मान साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब 13 महीने के बाद घर आए तो ही वॉज बेड रिडन एक लंबे समय तक, तब से लेके आज तक वो चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन हर जगह हर समय भाभी हर जगह उनसे एक स्टेप आगे ही चलती है। सेफ शॉप कैरियर शुरू हुआ तो उन्होंने हर जगह साथ पहुंचना शुरू किया। वी हैव फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ मीटिंग्स हेल्ड इन 2001 एंड 2002 और मिसेस सुनीता मान तब भी उनके साथ थी। और आज भी कोई सक्सेस डे ऐसा नहीं होता जब मिसेस सुनीता मान उनके साथ नहीं होती, कोई ऐसा इवॉल्व नहीं होता जब वो वहां नहीं होती, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। मैंने और मान साहब ने बहुत ट्रेवल किया है, बहुत ट्रेवल, हम लोगों ने कितने कितने दिन साथ आउट स्टेशन काम किया है। मिस्टर सुनील मान के बारे में तो आपको बताऊंगा ही कि उनके जैसा कोई पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती दूसरी, लेकिन उनकी वाइफ घर पे रहते हुए भी इस नेटवर्क को, ये जो आज इतना लाखों लोगों का नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क को बिल्ड करने के अंदर अगर मान साहब का जितना रोल है, इक्वली सपोर्ट मिसेस सुनीता मान उनकी वाइफ का भी है। द मोस्ट सिंसियर, द मोस्ट कमिटेड लेडी, द हैप्पीएस्ट कपल, उम्मीद करूंगा मतलब भगवान हर एक शादीशुदा जोड़े को ऐसी ही सफलता दे और ऐसा ही प्यार दे जो उनके बीच में है। आज उनका सारा परिवार यहाँ पर है, उनके दोनों बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिसेज एंड मिस्टर सुनील मान फॉर द डबल डायमंड प्रमोशन ऑफ मिसेज सुनीता मान। करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए,
करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में। 23 साल से एक साथ में हैं हम लोग, और इस 23 साल में हम एक दूसरे के रंग में, देख रहे हो ना, हम एक दूसरे के रंग में इस तरह रंग गए हैं कि प्रमोशन इनकी है और स्पीच मैं दे रहा हूं। इन 23 सालों में इतना रंग चुके एक दूसरे के रंग में, और उससे 17 साल सेफ शॉप में हो गए हमें। क्या होता ना, जो शेर होते हैं वो अपने इलाके बांट लेते हैं, हमने भी अपने इलाके बांट रखे हैं। यहां पे इनकी कोई नहीं सुनता, और घर पे जाने के बाद मेरी कोई नहीं सुनता। दोस्तों, बड़ा हसीन सफर रहा है सेफ शॉप के साथ में, इवोल इंडिया के साथ में। 17 साल आज से कुछ 6 दिन बाद मुझे सेफ शॉप के साथ हो जाएंगे। 4,00,000 का नेटवर्क बना चुके हैं हम लोग। आज से 6 दिन बाद 7 अप्रैल है, और 7 अप्रैल 2001 को मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया था। तो 17 साल में कंप्लीट करने जा रहा हूं आज से 6 दिन बाद। मैंने जब ज्वाइन किया था और पहली एनिवर्सरी हमने मनाई थी सेफ शॉप की, तो मेरी घर की छत के ऊपर कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त और बहुत सारे सेफ शॉप एडवाइजर्स के साथ में मैंने एक छोटी सी पार्टी की थी। लेकिन 17 सालों में सेफ शॉप ने और रिवोल इंडिया ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, उसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हो कि पहली एनिवर्सरी मनाई थी कुछ एडवाइजर्स के साथ में, और 17वीं एनिवर्सरी मनाऊंगा आज से 6 दिन बाद अपने सेफ शॉप परिवार के 180 लीडर्स के साथ पेरिस में और स्विट्जरलैंड में। यह है ग्रोथ सेफ शॉप की, यह है ग्रोथ इस बिजनेस की, यह है ग्रोथ इस परिवार की। दोस्तों, आज से 17 साल पहले जब इस बिजनेस में आया था तो इतना कुछ नहीं सोचा था कि कहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हर्ष सर का, दीपक सर का सपोर्ट रहा है, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट रहा है, और आगे भी इस बिजनेस को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। जब ये बिजनेस शुरू किया था तो अनरेगुलेटेड बिजनेस था। पिछले 1-1.5 साल पहले भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की जिससे कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत जान आ गई है, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ आने वाले हैं। सेफ शॉप एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है और इंडिया की सबसे मजबूत बिजनेस, सबसे मजबूत जाहिर सेलिंग कंपनी है, और आगे भी हम ये सफर जारी रखेंगे। आज इस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, आज 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल किस लिए मशहूर होता है? अप्रैल फूल्स डे बनाते हैं ना, पागलों का दिन। आज हमारा दिन है, हम पागलों का दिन है, और हम तो पागल नहीं, हम तो सर्टिफाइड पागल हैं, स्टैंप लगे हुए पागल हैं। क्योंकि समझदार लोग ना, समझदार लोग जो होते हैं वो अपने बस रेस बनाते हैं अपने घर पे, और हम बनाते हैं अपनी टीम के साथ में। जो समझदार लोग हैं वो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं अपने घर में, और हम बनाते हैं स्टेज के ऊपर अपनी टीम के साथ में। जो समझदार लोग होते हैं ना वो वीकेंड्स पे अपने घर रहते हैं, और हम होते हैं फील्ड में। हम तो सर्टिफाइड पागल है ना। जो समझदार लोग होते हैं ना वो शाम को छुट्टी होते ही सीधा घर जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि कुछ पैसे बच जाए, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर अरेंज करते हैं।
जो समझदार लोग होते हैं वो सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं ताकि बचा के आगे काम आ जाए बुरे वक्त के लिए। और हम जैसे पागल क्या करते हैं, हम पैसे नहीं बचाते, हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करवाते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपनी टीम के अंदर, ताकि एक दिन ऐसा देखने को मिले हमें जिस तरह का दिन आज हमें देखने को मिला है। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समझदार लोग जो होते हैं ना उनको हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर ना, हल्का सा सेटबैक लगता है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस छोड़ के अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, अपनी जॉब में चले जाते हैं, अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। और जो पागल होते हैं ना वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, जुनून के साथ में काम करते हैं और एक दिन यहां पर आ जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो है हम जैसे पागल लोगों के लिए। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं और नौकरी पे लगे रहते हैं। समझदार लोग जिंदगी भर कोसते रहते हैं अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने बॉस को, रोते रोते जिंदगी भर काम करते हैं। और हम जैसे पागल हैं जो दिन रात काम करते हैं लेकिन दिल से करते हैं, दिन रात काम करते हैं लेकिन दिल से करते हैं, और जब पार्टी करते हैं तो दिल खोल के करते हैं। ऐसी जिंदगी चाहिए तो पागल बन जाओ, और समझदार बनेंगे तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दोस्तों मैंने बताया कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। आज ये इंडस्ट्री बहुत मजबूत हो गई है और आने वाले समय में हम इस इंडस्ट्री के राजा होंगे सबके सब। सरकार जो काम कर रही है या जिस तरह का काम सरकार को करना चाहिए, और पिछले कुछ सालों में मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा और अगर समझ में आए आपको तो जवाब देना मुझे उसका। पिछले कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, जन धन योजना, जिसमें उन लोगों के अकाउंट खोले गए जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे। मुझे सोच के जवाब देना, क्या ये जन धन अकाउंट हम पिछले 17 साल से नहीं खोल रहे हैं? हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे। जब सेफ शॉप से पहला कमीशन चेक आया तो उन्होंने आके बोला, सर कमीशन चेक तो आ गया, डालूं कहां पर? और हमने उनका अकाउंट खुलवाए। खुलवाए या नहीं खुलवाए? भारत सरकार का एक मिशन है डिजिटल इंडिया, जो उन्होंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। हमने डिजिटल इंडिया बनाना शुरू किया 17 साल पहले। हमने लोगों को सिखाया कंप्यूटर इस्तेमाल करना, हम लोगों ने लोगों को सिखाया इंटरनेट इस्तेमाल करना। हमारा सारा बिजनेस आज होता है डिजिटल, साइन अप से लेके पे आउट तक और सब कुछ होता है डिजिटल। क्या हमने वो काम किया जो सरकार कर रही है? बोलिए। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है उड़ान, मतलब सरकार कहती है उसका एक विजन है। हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एक दिन वो आएगा जब हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा। सरकार ने तो कुछ साल पहले बोला है, हमने तो उड़ान स्कीम स्टार्ट कर दी थी 17 साल पहले। हजारों लोगों को सेफ शॉप की वजह से पहली बार हवाई यात्रा कराई है सेफ शॉप ने। हमने ये उड़ान स्कीम 17 साल पहले लॉन्च की थी, ना? सरकार की एक योजना है कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी, जिसमें वो चाहते हैं कि कम कैश इस्तेमाल हो। हमने क्या किया, हमने अपने आप को पूरी तरह से कैशलेस बना दिया। आज हमारी पेमेंट्स होती तो कैसे होती हैं? ऑनलाइन होती हैं, डेबिट कार्ड से होती हैं, क्रेडिट कार्ड से होती हैं। हम वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। आज अगर हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो है बेरोजगारी। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया की 20% आबादी हमारे पास में है, दुनिया की 20% आबादी हमारे देश में रहती है। आज सेफ शॉप में इतने एडवाइजर हैं, सेफ शॉप में आज इतने एडवाइजर हैं जो कि बहुत सारे छोटे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यानी कि सेफ शॉप अपने आप में एक दुनिया है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट।
हमारे देश की जो जमीन है, जो खेती है, वो 50% पॉपुलेशन को नहीं संभाल सकती है। हमारे पास जो जमीन है, हमारे पास जो खेती के लायक जमीन है, वो हमारे देश की आधी आबादी को पेट नहीं पाल सकती, उसका घर नहीं चला सकती। उन लोगों की अगर आप मदद करना चाहते हैं, उन किसानों की अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो हमें वो लोग कम करने पड़ेंगे जो खेती पर आश्रित हों। उन लोगों को बिजनेसमैन बनाना पड़ेगा। और सरकार ने एक योजना स्टार्ट की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। मुझे आप बताइए सोच के, क्या सेफ शॉप से बड़ा कोई स्टार्टअप है? जब एक आदमी ज्वाइन करता है, जब उसकी एक आईडी बनती है, तो एक नया स्टैंडअप इंडिया, एक नया स्टार्टअप इंडिया जन्म लेता है। इस देश को आप लोग आगे लेके जाएंगे, सेफ शॉप को, इस इंडस्ट्री को आप लोग आगे लेके जाएंगे। इवोल्व इंडिया ने आपके लिए उस रास्ता बना दिया है जिस पे चलकर हम जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज, कल और तीन दिन से हम सक्सेस से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मेरी टीम से 15 डायमंड, डबल डायमंड, वीनस और मरकरी हो चुके हैं। 15 आज जिस आईडी पर हम ये प्रमोशन ले रहे हैं डबल डायमंड की, आज उस टीम से भी 2 नए डायमंड आए हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग आए, और मुझे खुशी होगी जब आपके अंदर वो पागलपन समाएगा और एक दिन आप वहां से उठकर यहां पहुंचेंगे। दोस्तों, बाहर की दुनिया के जो समझदार लोग हैं उनको समझदार बने रहने दीजिए, हमें हमारा पागलपन मुबारक। जो पागल हैं एक बार खड़े हो जाएं और एक बार जोरदार तालियां बजाएं इवोल्व इंडिया के लिए, शेफ शॉप के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।